हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च 2023 और 17 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स को बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सर्च करना होगा टेलीग्राम पे एडुकेयर मंत्रा और ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पर कि एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का दिल्ली में शुरू हुआ है। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शुरू हुआ है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो SBI ने अपनी तीसरी 81 बांड बिक्री से जुटाए 3717 करोड़ रुपया अभी हाल ही में दोस्तों, और CCI ने रिलायंस के 2850 करोड़ रुपये के मेट्रो के स्थानीय कारोबार को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी दोस्तों। IDFC म्यूचुअल फंड ने खुद को बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में रिब्रांड कर लिया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर, भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति फरवरी 2023 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है। तो ये दोस्तों आप लोग की पहले थी 6.52%, अभी घटकर हो गई है 6.44%। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी आप लोग का राइट आंसर होगा। बात करें थोक विक्रेता सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति फरवरी में घटकर ये आप लोग का 3.85% पर आ गई है दोस्तों। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति फरवरी में घटकर 3.85% पर आ गई है, लेकिन खुदरा मुद्रा स्फीति की बात करें दोस्तों तो ये घटकर आप लोग का 6.52 से 6.44% हो गई है दोस्तों। जनवरी में CPI 6.52% थी, जबकि सितंबर 2022 में यह 5.72% थी दोस्तों, और नवंबर में यह 5.88% और अक्टूबर 2022 में ये आप लोग का 5.59% थी दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है। तो अपना ही देश दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% केवल भारत खरीदा है दोस्तों, और अकेले भारत ने इसे खरीदा है, और सऊदी अरब आप लोग का दूसरे नंबर पे आता है इसमें। ठीक है, सऊदी नंबर कितने नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। इन्होंने जो खरीदा है 9.6% ये सऊदी अरब खरीदा है दोस्तों। ठीक है, और वहीं आप लोग कतर की बात करें तो कतर आप लोग का 6.4% खरीदा है, और ऑस्ट्रेलिया 4.7% खरीदा है, और चीन आप लोग का लास्ट ये आप लोग का आता है 4.7% ये खरीदा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग का सबसे मतलब बात करें बढ़िया हथियार खरीदने वाला कौन सा देश बन गया, तो आप लोग का भारत बन गया दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स। तो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। कहाँ पे किया दोस्तों, तो आप लोगों को बेंगलुरु में किया। किसने किया है, तो नितिन गडकरी ने किया। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं दोस्तों। ठीक है, और भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए अभी हाल ही में 1,18,500 करोड़ रुपये का भी बजट पेश किया दोस्तों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म का उद्घाटन अभी हाल ही में दोस्तों किया है। अगस्त 2026 तक आप लोग का भारत में बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। तो किसने क्लाउड गेमिंग प्रदाता वुस्टरॉइड के साथ लाइसेंसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ समझौते।
दोस्तों अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन मुंबई में अभी हाल ही में आयोजित किया गया और अश्नि वैष्णव ने सिक्किम के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया दोस्तों। और दक्षिण सहयोग पर कतर अभी मंत्रिपरिषद बैठक की गई है और पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में हुआ है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक रक्षा संबंधों को मजबूती करने पर यह सहमत हो गया दोस्तों और एक्सरसाइज ला परोस 2023 का तीसरा संस्करण ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ है दोस्तों। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और बहुपार्श्व एस डब्ल्यू अभ्यास सी ड्रैगन आप लोग का अभी 23 से शुरू हुआ है दोस्तों। तो आप लोग का इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस बैंक ने महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हाल ही में दोस्तों ये आप लोग का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी महिलाओं हेतु स्पेशल सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों 18वें देश के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए RBI को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। ठीक है, 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार के लिए RBI को मंजूरी अभी हाल ही में दे दी गई। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार ने 10% की, ठीक है, 10% आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की स्थापना होती है दोस्तों 9 नवंबर 2000 में। ठीक है, और यहाँ के अभी जो मुख्यमंत्री है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड की सरकार ने रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया दोस्तों। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, रेशम उत्पादक हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला ये उत्तराखंड आप लोग का भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं अदर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के पढ़ने में भी इंपोर्टेंट है। तो मणिक शाह ने दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की अभी हाल ही में शपथ ली है। कोनराड संगमा ने दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में अभी शपथ ली है। नागालैंड के मुख्यमंत्री और NDPP नेता नेफ्यू रियो ने अभी पद की शपथ ली है। मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में अभी हाल ही में पेश किया गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार अभी केरल में मनाया गया हाल ही में दोस्तों। महाराष्ट्र में पेश होगी 4थी महिला नीति, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। G20 आप लोग का फुल उत्सव नई दिल्ली में अभी स्टार्ट किया गया दोस्तों। भिखारी मुक्त शहर पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर में स्टार्ट करी गई है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता निदेशक का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों ये सतीश कौशिक आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट निधन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो आप लोग का यक्षगान भागवत बलिया नारायण का 85 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हुआ है। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का अभी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध आप लोग का चित्रकार ललिता लाजमी का भी निधन हुआ है और दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार वर्ड वछराज का 94 वर्ष की आयु में अभी निधन हुआ है और प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हो गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का भी हाल ही में निधन हुआ है और फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया। सिद्ध लेखक के वी तिरुमलेश का भी निधन हुआ है दोस्तों और पूर्व आयकर मुक्त आयुक्त TCA रामानुजम का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुबी सुरेश का भी हाल ही में निधन हुआ है। मिर्जापुर के अभिनेता शानबाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हुआ है। प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार शक्तिपद चट्टोपाध्याय का भी हाल ही में निधन हुआ है और दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का भी हाल ही में दोस्तों ये निधन हो गया है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल लगती हो, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करेगा दोस्तों। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस
14 मार्च को मना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को हम लोग पाई हाँ दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोगों का हर साल ये मनाया जाता है 14 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस दोस्तों, इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को पाई दिवस के रूप में भी जानते हैं, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ मार्च में इंपॉर्टेंट डे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। विश्व शिशाग्र दिवस 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसी दिन विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या उसी दिन नो स्मोकिंग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाता है, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस भी मनाया जाता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसने साझा बौद्ध विरासत पर SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, तो आप लोग का अपना देश भारत ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप में अभी हाल ही में दोस्तों आप लोग का 7.1 तीव्रता वाला भूकंप आया है दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हनीवेल ने किसे CEO नियुक्त किया है, तो हनीवेल ने अभी हाल ही में दोस्तों ये बिमल कपूर को अपना ये नया CEO नियुक्त किया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 2023 में कुछ नियुक्तियां जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अभी हाल ही में राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों शैलेंद्र पाठक बने फिक्की के महासचिव। पेप्सी ने अभी हाल ही में रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों, और नया जो आप लोग का CGA हैं SS दुबे अभी बने हैं दोस्तों। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय जज के रूप में अभी शपथ लिए दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO वी गोप कुमार को नियुक्त किया गया दोस्तों अभी हाल ही में। टेक महिंद्रा के CEO और MD मोहित जोशी को नियुक्त किया गया अभी हाल ही में दोस्तों। अमिताभ मुखर्जी ने NMDC के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार अभी हाल ही में संभाला दोस्तों। LIC के नए MD जो दोस्तों बने हैं तज पांडे और M जगन्नाथ को नियुक्त किया गया हाल ही में दोस्तों। जलवायु परिवर्तन अभियान श्रेया घोड़ावत को भारत के एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में नामित किया गया, और फरवरी के लिए ICC प्लेयर ऑफ द दोस्तों आप लोग का मंथ एसले गार्डनर और हैरी वुक अभी हाल ही में दोस्तों इनको बनाया गया दोस्तों। ठीक है, और जिया इन्फेंटिनो का को 2027 तक फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो रहे आज के दोस्तों ये करेंट अफेयर्स। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती होगी। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती हो, तब इस वीडियो को लाइक और ज़रूर आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स देखने के लिए आप लोग कमेंट में बताना है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।